मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स 1899 में एक प्रॉपर कंपनी बनी, आसाम ऑयल कंपनी, जो कि जिसका काम था सिर्फ, उसका रेलवे से कोई मतलब नहीं था, उसका ये काम था कि वो ज़मीन से क्रूड ऑयल निकाले और उससे वो ये बनाए आपका जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर 1899 के बाद फाइनली 1901 मींस ऑलमोस्ट 2 साल बाद इस रिफाइनरी का पूरा वो फाउंडेशन स्टोन रखा, पहला प्रोडक्ट आपका गया था। 1947 में क्या हुआ था, हाँ तो उस टाइम ब्रिटिशर्स गए, तो 1947 के बाद, उससे पहले तो ब्रिटिशर्स इसको कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। 1947 हुआ, फिर एक बर्मा ऑयल कंपनी है, बर्मा मतलब जो म्यांमार वाला एरिया है और इधर वाला एरिया, उस टाइम पे एक ऑयल कंपनी थी, उन्होंने इसको पूरा लेके रखा कि ये उनके अंडर आया। फिर 1981 आया, 1981 में इंडिया में प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट मतलब उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरा आपका इन लाइन आता है। 1981 में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंपनी गवर्नमेंट के अंदर रहेगी, कौन सी कंपनी प्राइवेट में रहेगी। तो उस टाइम पे 1981 में ये पूरा एरिया दिग्विजय रिफाइनरी का इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इसको हम कंट्रोल करेंगे क्योंकि वो मेरी कंपनी है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे नहीं होती, गवर्नमेंट का क्या काम है कि दे हैव टू केयर फॉर देयर सिटीजन्स ऑल्सो, वो इतना प्राइस हाइक नहीं करेगी कि जो सिटीजन से वो ना ले पाए। तो 1981 में गवर्नमेंट ने बोला कि ये ऑयल रिफाइनरी हम कंट्रोल करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो आपका पेट्रोल डीजल की प्राइसिंग है उस पर एक लिमिट लग गई कि कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि क्या होता है 150 लीटर पेट्रोल बिकेगा या 200 लीटर पेट्रोल बिकेगा, ये सब एक रेगुलेशंस के थ्रू आ गया कि आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा प्राइस बढ़ाने के लिए। रिफाइनरी में कंप्लीट हो जाता है, 1981 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट सेम पोजिशन में है, नॉट एग्जैक्टली ओल्डेस्ट बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इसका। ये रिफाइनरी बाकी इंडियन रिफाइनरी से अलग कैसे है, इंडिया में टोटल 13 रिफाइनरीज हैं, जैसे ये दिग्विजय रिफाइनरी है ना, इसी तरह की 13 रिफाइनरीज और हैं इंडियन ऑयल की। अब उसमें पेट्रोल डीजल जो बनता है वो किससे बनता है, क्रूड से बनता है, क्रूड मतलब इन लेमेन टर्म्स जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, तो वो क्रूड से बनता है। अब वो क्रूड यहाँ पे तो हमको मिलता नहीं है, आसाम में क्या है, अरुणाचल जैसे आपका चांगलांग एरिया, वहाँ पे खड़संग करके एक जगह है, खड़संग में क्रूड मिलता है। खड़संग में मतलब आप ज़मीन के अंदर आप डिगिंग करेंगे तो अंदर से क्रूड मिलता है, बट द सेम फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल ऑल ओवर द इंडिया। इफ़ यू गो इन यूपी और इन हरियाणा दे विल नॉट गेट द क्रूड इफ़ यू डिग इन द मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है गर्ल्स को रात में काम करने की, यू कैन नॉट बी कॉल ऑन ड्यूटी आफ्टर 10 और आफ्टर 7, we have to take a special permission from the government, not just here, in the entire India. So ITI is less, means you can do that, there is option, but the better option is to go for chemistry. So sirf exams clear karna hi nahi, humko apne skills ko develop karke usko display karne ke liye bhi hum logo higher education chahiye. Third jo baat hai, maine abhi abhi jo kaha, अपनी लोकेलिटी को अगर डेवलप करना है, अगर हमें सिर्फ लोकेलिटी मतलब सिर्फ वो लोकल बिजनेसेस ही नहीं या फिर लोकल लोगों की सर्विस के लिए ही नहीं, बल्कि अगर इफ वी वांट टू आल्सो हाईलाइट आवर रीजन, हमारे शहर को हमारे गांव को अगर हमें उनको बाहर दिखाना है, एक्सपोजर लेना है, आप लोग जैसे पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से अपने गांव की बाकी लड़कियों को बाकी लोगों को भी अगर सिखाना है कि कैसे हमको मतलब करियर में आगे बढ़ना है, उस IPS ऑफिसर बनना है, कोई है फैमिली में या फिर किसी ने किया है, यू हैव अ रोल मॉडल, नो रोल मॉडल है किसी को देखा है आपने अच्छा लगता है, नहीं तो आपको जानना पड़ेगा कौन कौन से रोल मॉडल है हमारे यहाँ देश में, कौन कौन से रोल मॉडल है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैसे मतलब किया था। और बताइए और कुछ और अलग सा कुछ कोई करना चाहता है, तो आपके गांव में से आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई है जो
जिसने अभी मतलब कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था? नो आइडिया, तो आपको वो जानना होगा। और अगर कोई नहीं है आपके आपके गांव में? नमस्ते, हम आज यहाँ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर टूर के तौर पर यहाँ आए हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर में आते हैं। इस मौके पर मैं DDSC DC ऑफ चांगलांग ICDS को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। हमारे एक्सपोजर टूर 22 जुलाई ग्याकल शुरू हुए थे। ग्याकल हम डिगबॉय में पहले आए थे, फिर वहाँ हमने डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी में विजिट किए। वहाँ हमें ये पता चला कि ऑयल पेट्रोलियम लोग कैसे बनाए जाते हैं, और वहाँ के ऑफिसर्स लोग के साथ हमारे इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने बताया कि हमें कैसे ये ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में हमें जॉब मिल सकता है। एंड देन उसके बाद हम डिगबॉय में म्यूज़ियम में भी घुसे। उसके बाद हम शाम होके डिब्रूगढ़ में आए जहाँ में हम लोग आज है। आज हमें हम लोगों ने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में विजिट किया। उधर हमें बहुत अच्छे से कैरियर गाइडेंस मिला, मीन्स हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ना है और कौन सा बेटर ऑप्शन से टू गेट जॉब। तो हम अंत में फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे DC ऑफ चांगलांग DDSC एंड ऑल द ऑफिसर्स कि ये कि वो लोग अगले साल भी ये एक्सपोजर टूर का कार्यक्रम को करते रहे और कहीं दूसरा आने वाले जनरेशन्स और हमारे भाई बहनों को भी कहीं और अलग जगह कुछ अलग केयर गाइडेंस के लिए भेजा जाए।